पर वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फाइनली मेरी विदाई हो चुकी है मेरे मायके से। मेरे हस्बैंड मुझको लेने आए थे और अब मैं जा रही हूँ। मेरा बच्चा पूरे 10-12 दिन बाद अपने पापा से मिला है, तो बहुत खुश है। छोड़ ही नहीं रहा है, खेल रहा है उनके साथ। मम्मा को भी करो, मम्मा को भी करो बेटा। ऐसे ही सबको खिलाता है ये। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है। राधे राधे कर रहा है। और मैं दोपहर में 12 बजे के आसपास, 12 या 12:30 समथिंग एक समझ लीजिए, मैं पहुंचूंगी अपने घर रायगढ़। और मैं फिर आपसे बाद में मिलूंगी, बाद में बातें करूंगी। अभी तो मौसम बहुत ही ठंडा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब रायगढ़। कृष्णा पीछे पीछे आ रहा है अपने पापा के साथ। और आज का सफ़र बहुत ही अच्छा था मेरा। और इसमें क्या ख़ास था मैं आपको घर चलने के बाद बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। मैं घर चल के आपको बताऊंगी। आज बहुत 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 अच्छा गया मेरा सफ़र, सो मैं बहुत खुश हूँ आज। हेलो, तो मैं पहुँच गई थी अपने घर दोपहर के 12 बजे। और फिर हम लोग आए हैं और नहा धो के थोड़ा वही खाना पीना और फिर रेस्ट कर रहे थे। और अभी मैं सो के उठी हूँ, 4:30 हो गए हैं। और मेरा घर बहुत फैला हुआ है, तो मुझे थोड़ी बहुत करनी है सफ़ाई, और उसके बाद मुझे करनी है आपसे थोड़ी बातें। तो मैं पहले सफ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ बातें करूँगी।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कपड़े अपने फोल्ड करके रख रही हूँ, जो कपड़े गंदे हैं उनको बाहर की ओर निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सफ़र से आई हूँ तो सारे कपड़े वैसे भी गंदे हो जाते हैं और मन नहीं करता है ना उन्हें दोबारा रखने का। और ये कृष्णा मेरे पीछे मच्छर मार रहा था, उसे मच्छर काट रहे थे तो आगे पीछे घूम रहा था। और मैं ये सारे कपड़े अब लेके जाऊंगी धोने के लिए रखूंगी। तो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, काम नहीं करने दे रहा था मुझे। और मैं इसके पापा से कह रही थी कि अब इसको लेके आप जाइए और दूध वूध लेके आइए, आगे पीछे घूम रहा है। मैं ये सारे कपड़े निकाल रही हूँ और इसे धोऊंगी कल, कल बहुत काम होने वाला है मेरे लिए। तो मेरा काम सब हो चुका है और मैं आप लोग से थोड़ी दो बातें करना चाहती हूँ। देखिए, मैं अभी YouTube में नई हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, क्योंकि अभी तक मैं ऐसा कोई ब्लॉग डाली ही नहीं हूँ, अब मेरा कल से स्टार्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे ब्लॉग देखिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्यारे कमेंट भी करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और मैं अभी काम करते करते तो मुझे आधा घंटा हो गया है, पौन घंटा मैं अपना काम करने के बाद सोची आप लोग से थोड़ा बात करती हूँ, क्योंकि ये पहली, शायद मेरी पहली बातें होंगी आप लोगों से। और मैं अपने मायके से आ चुकी हूँ और यही 1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास मैं आई थी। उसके बाद थोड़ा थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट किए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे बाबू को लेके दूध लेने, और अभी आएंगे तो चाय वाय बनेगी। और मैं सोची आपसे थोड़ा बात करूँ। अगर प्लीज़ मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं कोशिश करूँगी कि आप तक कुछ अच्छा मैसेज पहुँचा सकूँ, अपनी रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का सफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वैसे हम लोग का रिजर्वेशन तो था ही, लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या हुई ना कि आज
ट्रेन मतलब लगभग खाली थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जितनी भी ट्रेन देखते गई सब खाली मुझे मिली। और जब मैं अपने सीट पे गई, सीट नंबर पे गई, तो वो पूरा का पूरा बोगी खाली था। हम लोग थे वहाँ पे, एक आंटी और थी, एक भाई साहब थे, दो तीन लोग और थे और हम लोग थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, कोई था नहीं, हम लोग बढ़िया इंजॉय करते हुए आए हैं। तो इस बार का सफ़र तो इतनी जल्दी कट गया कि पता भी नहीं चला मुझे, वरना हर बार लगता था कितनी दूर हो गया, कब आएगा, थक जाती थी लेटते बैठते। अब इस बार लेकिन बहुत अच्छा लगा, खाली था ट्रेन, इसी वजह से मैं बोली कि मेरा सफ़र बहुत अच्छा है। और वैसे भी कोविड है तो ज़्यादा लोग सफ़र कर नहीं रहे, और बरसात का मौसम है, बारिश है, तो शायद इसी के लिए ट्रेन खाली थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे आगे बढ़ाइएगा। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ धन्यवाद।